हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस कुमार, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस टेक में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे जिन लोगों ने अटल पेंशन योजना में अपना अकाउंट खुलवाया हुआ है, उनको अगर अब तक अपना पैन कार्ड नहीं मिला है तो हम कैसे ई पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। बड़ी ही आसान तरीके से मैं आपको दिखाऊँगा, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे NPS CRA और एंटर कर देंगे। तो आप ये वेबसाइट देख सकते हैं, फर्स्ट लिंक जो हमारा है NPS CRA.NSDL.CO.IN, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे रिडायरेक्ट होंगे। बाकी इस पेज का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से भी इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो फिर हम होम पे आएंगे। होम पे आने के बाद आप अटल पेंशन योजना, जो कि हमारा लास्ट ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा ये पेज ओपन हुआ है। तो यहां पे आप लेफ्ट हैंड साइड इंट्रोडक्शन में देखेंगे लास्ट ऑप्शन जो हमारा है APY ई प्रान का, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा ये पेज ओपन होगा। आप यहां देख सकते हैं आपके पास दो ऑप्शन है, एक क्लिक टू सर्च विद प्रान। फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें हमारा दो ऑप्शन दिख रहा है प्रान। ये हमारा प्रान नंबर यहां पे हमें एंटर करना है। अगर आपको आपका प्रान नंबर पता है तो आप यहां पे उसे एंटर करें और नीचे अपना बैंक अकाउंट का नंबर एंटर करें। बैंक अकाउंट में हम उस अकाउंट नंबर को देंगे जिस अकाउंट नंबर से हमने अपना अटल पेंशन योजना खुलवाया हुआ है। और हमारा दूसरा ऑप्शन आता है क्लिक टू सर्च विदाउट प्रान। अगर आपके पास प्रान नंबर नहीं है तो आप अपना नाम, आप अपना अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट नंबर से आपका अटल पेंशन योजना में कंट्रीब्यूशन होता है, अमाउंट डिटेक्ट होता है, उस अकाउंट नंबर को यहाँ पर आप डालेंगे और आप अपना डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे एंटर करेंगे। तो चलिए, हमारे पास हमारा प्रान नंबर है, हम प्रान नंबर को एंटर करके आपको दिखा रहे हैं। हमने अपना डिटेल को एंटर कर लिया है। डिटेल एंटर करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज करेंगे और हमारा ये तीसरा कैप्चा का ऑप्शन आ रहा है। कैप्चा का मतलब होता है जो हमारा ये लिखा होता है उसको ऐड करके हमें यहाँ पे एंटर करना है। जैसे 77+1 78 होता है, 77+1 78, हमने 78 डाल दिया। अगर आपका यहाँ पे कुछ और है तो आप उसे जोड़कर या घटाकर यहाँ पे एंटर करें, जो भी यहाँ पे दिया होगा आपको। फिर हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा ई प्रान कार्ड यहाँ पे शो हो रहा है, जिसमें हमारा यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्रान जो कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है। अगर आपके पास अकाउंट नंबर, प्रान का नंबर आपको मालूम नहीं है तो आप यहां से भी देख सकते हैं, और किस बैंक में आपका अकाउंट खुला हुआ है वो भी आप यहां से देख सकते हैं, कितना का कंट्रीब्यूशन आपका है वो यहां आप देख सकते हैं, पेंशन स्टार्ट डेट कब का है आप वो यहां देख सकते हैं, नेम ऑफ नॉमिनी यहां पे सारा कुछ दिया हुआ है। और आप यहां पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं इसे। आप देख सकते हैं साइट में हमारा डाउनलोड हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारा ये ई प्रान कार्ड डाउनलोड हो चुका है। और जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसका कितना, अब तक कितना कंट्रीब्यूट हम कर चुके हैं उसका पूरा ट्रांजेक्शन दिखाऊंगा। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें ढेर सारा प्यार दें। धन्यवाद।